पार्किंग तो अभी स्टार्ट हो रही है, देख लो ये बहुत खतरनाक सी। सी क्या होता है? आई एम वेरी एक्साइटेड टू गोइंग ऊपर। नीचे देखो आप क्या खतरनाक सी खाई बनी हुई पूरी, मतलब हल्का सा ही पाऊँ या मेरा स्लिप होता तो मैं नीचे। मैं आपको बहुत मजे कराने वाला हूँ आगे कैरी मराठी की तरह, जो चलते हैं आगे की तरफ। आराम से। क्या हुआ जैद, ज्यादा लग गई क्या? उतरना पड़ रहा है। हम लोग कहाँ गए थे और कहाँ से आए? वो टॉप पे गए थे, आइए देखते हैं बुलाया। हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब फर्स्ट क्लास खैरियत से जिंदा बात होंगे। तो भाई अभी का सीन ये है कि हम लोग हाइकिंग करने जा रहे हैं, मतलब मैं स्टार्ट जो कर रहा हूँ व्लॉग वो हाइकिंग करते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट करना मैं भूल गया था। खैर अभी हम देखो कैसे खतरनाक रोड से हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं, आगे चलते हैं आपको सब दिखाते हैं। तो चलते हैं और पूरी एंड तक के देखना, बहुत मज़ा आएगा हाइकिंग के व्लॉग देखने में। वो बड़ी खतरनाक हाइकिंग है, एंड तक के देखते हैं। आ जाओ गाइस, टिकट वगैरह हमने ले लिया है, अभी हम लोग यहाँ वेटिंग में बैठे हुए हैं। हमारा 19वां नंबर है, डंडा मारूंगा खींच के बता रहा हूँ। हमारा मार भी दिया इतनी जोर से। हमारा 19वां नंबर है, सही है। अभी कोई 8 सी डोली गई है, डोली गई है 7 सी गई है। 8 सी नहीं है, 7 सी है। बाबली वाली हरकत है, शुरू इनको टैबलेट दो भाई। 8 सी गई हुई है हमारी, टैबलेट दो इनको। 19 सी हमारी है, सही है ना? 8 सीटें उसके अंदर, 8 सीटों के अंदर 8 बंदे जाएंगे। आप लोग ने नाम उसके अंदर एक एक चाइल्ड, एक ना स्पेशल चाइल्ड भी हमारे साथ, पप्पू। उसका नाम है पप्पू, रवीन शफीक। मैं आपको पप्पू, पप्पू नाम है, स्पेशल चाइल्ड है, उसका टिकट नहीं लगा। देखो आप, सही है। अच्छा अभी हम यहाँ वेटिंग में वेट कर रहे हैं, ये तो यहाँ से वेटिंग खत्म होगी, हमारा नंबर आएगा तो हम डोली में जाएंगे। हो रही वहाँ डोली वहाँ जा रही है, उसके बाद ये तो होगा, ये तो चलेगा। देखो गाइस अब आप लोग बताना आपको पप्पू कैसा लगा। सही है गाइस, अब हम आगे चलते हैं तो देखेंगे क्या होगा। फाइनली भाई हमारा 19वां नंबर आ गया, हमसे पहले भाई जाएंगे वाले, 18 नंबर इनका है, उसके बाद हमारा 19वां है। डोली भी गई है, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर हमारा नंबर आएगा। भाई साहब बच चलेंगे, डोली पे थोड़ा सा डर भी लग रहा है भाई, पहले भी 20 में अटक गई थी। अल्लाह मालिक है, अल्लाह के भरोसे जाएंगे। ऐतल कुर्सी पढ़ ली है इंशाल्लाह ताला, कुछ भी नहीं होगा, मजे से जाएंगे। चलो भाई चलो, हमारी बारी आ गई है, हमारी बारी आ गई है। लेडीज बैठो जल्दी जल्दी, जल्दी बैठो यार, जल्दी नाटक नहीं करो, जल्दी बैठो जल्दी बैठो जल्दी। चलो भाई चलो 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 भाई, डोली में जा रहे हैं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। खैर चलो 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 बैठो, चलो भाई फाइनली इधर हो जाओ भाई, फाइनली भाई सब आ गए। चलो चलो रेडी टू गो। हाइकिंग स्टार्ट हो गई है, अभी सिर्फ ये 5 मिनट के लिए सिर्फ ये साफ सुथरा रास्ता था, अब मेन हाइकिंग यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा भाई 2 रास्ते जा रहे हैं आगे, हाँ सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं, कल भाई बता के जा रहे थे, देख देख के चलना। जब तक यहाँ जानवर आबाद थे ये जगह साफ थी, हाँ मतलब इंसान आ गए तो ये गंदी हो गई, सही बात है। जानवर हमने ना क्या लिखा हुआ, क्या तुम लोग यहाँ थे ना, सब तक सही था। जब तक यहाँ जानवरों आबाद थे ये जंगल, ये क्या लिखा हुआ, ये जगह साफ थी, साफ थी, जंगल जंगल अबे गंगल, अबे गंगल आया वाला शेर भालू, शेर गलत कह रहे हो तुम, कुछ और कहना था भाई। देखो हाथी भालू सांड, कहाँ से चलूँ, कहाँ चलेगा, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे, तुम लोगों के बस की बात नहीं, आ जाओ। अच्छा इन लोगों की बस की बात नहीं है। चलो भाई बहुत मजा आने वाला है, लेट्स सी क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गोइंग ऊपर। एक्सक्यूज मी, अभी यहाँ पे पीछे लिखा हुआ था जब तक यहाँ जानवर थी ये जगह साफ थी, तो कहाँ से साफ हुई है,
गलत बात की है इन्होंने, बोर्ड को चेंज कर कराओ। शबीन वो घर पे, यहाँ पप्पू आई है। गाइस हम अकेले ऊपर चढ़ रहे, हाँ हम बातें करते हुए ऊपर चलेंगे। रास्ता नहीं रोको लोगों का बेटा, मैं क्या क्या मतलब है, मैं क्या यहाँ फुटपाथ लगा के खड़ा हो गया क्या? लंबी देख लो जंगल है, जंगल है, रात में आते ना हाय क्या मजा आता लेवल का, सही बता रही हूँ गाइस। आप लोग ने मेरे व्लॉग देखते रहे ना, मैं आपको बहुत मजे कराने वाला हूँ आगे कैरी मनाटी की तरह। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए क्रिकेट स्टार्ट हो गया भाई, माशाल्लाह। कैरी मनाटी के अंडरवेयर चल रहे, मोए मोए। ये बड़ा खतरनाक रास्ता, यहाँ से मैं अपनी ये टट्टी से डंडी लेके चलूंगा ऊपर, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, यही रास्ता है, किसी और कोई रास्ता नहीं है। ये लोग जहाँ से आ रहे हैं ना, ये लोग जहाँ से भी आ रहे हैं, ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से मैं जा रहा हूँ। ये रास्ता बहुत खराब है। वाह भाई वाह, चले गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखे आप भाई लोग फट जाएगी यहाँ। ओए मैं आई एम सो सॉरी, मसला नहीं है गाइस, जो हाइकिंग नहीं कर सकता उसे ये खच्चर लेके जा सकता है। ओए होए होए, ये मोश, ये देखो तुम जाओ ना, वहीं टट्टी करी है उसने, नहीं मुंह पे आ गई है मुझे लग रहा है। ओ खैर ऐसे एंजॉय करते रहेंगे आज तुम सब, ठंडी ठंडी व्लॉगिंग करेंगे आज, बहुत मजा आएगा। क्या हो निकल गई, जाम हो गई क्या? अबे क्या टट्टी टट्टी लगाए हुए तुमने व्लॉग में, नीचे कमेडी आ रहे होंगे ठट्टी ठट्टी ठट्टी। लेट्स गो गाइस, वो खच्चर वहाँ से जा रहे हैं, हम ऊपर से जाएंगे, बहुत मजा आ रहा है। हाँ भाई ठट्टी क्या नहीं, वो हाइकिंग करते हुए जा रहे हैं, फुल मजा आ रहा है, मतलब लंबी नहीं करने का बोला, मजा आ रहा है। ओके हाइकिंग तो अभी स्टार्ट हो रही है, देख रहे हो ये बहुत खतरनाक सी, मतलब अब यहाँ ये फ्रेश खत्म हो गया है, अब हमें करनी पड़ेगी कड़क हाइकिंग। चलो भाई चलते हैं, लेट्स गो, चलो आओ हसन भाई, लेट्स गो, चलो चलो भाई तुम लोग स्लिप हो, कम से कम रोक तो लो। हाइकिंग हो रही है यहाँ से भी, लेकिन जो मज़ा हाइकिंग करने का यहाँ है ना, उसकी बात ही कुछ और है, मतलब लगेगा कि हाइकिंग आप कर रहे हो, वहाँ से तो ऐसा लग रहा है आप सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चलते हुए जा रहे हो, पर यहाँ से हल्का लग रहा है कि हाइकिंग कर रहे हो आप फुल एक डेंजरस तरीके से, कि पाँव स्लिप हुआ तो नीचे गए, इस वजह से हमने स्टिक ली हुई है कि इसको साथ साथ जमा के इससे हम लोग लेते हुए जा रहे हैं ऊपर। ये चिकनी मिट्टी भी है, पता नहीं लग रहा कब पाँव स्लिप हो जाए। खैर व्लॉगिंग कर रहा हूँ आपके लिए, ऊपर जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। उफ वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, बहुत लंबा सफ़र है उनका, हम यहाँ से शॉर्टकट से जा रहे हैं। मैं अभी मैं आया हूँ ये पतले वाले रास्ते से, पता नहीं आपको अभी नज़र में दिखाता हूँ, इस वाले रास्ते से आया हूँ मैं ना, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। ये रहा उफ, इस रास्ते से आने पतला सा रास्ता दिख रहा है, नीचे देखो आप क्या ख़तरनाक सी खाई बनी हुई पूरी, मतलब हल्का सा ही पाऊँ या मेरा स्लिप होता तो मैं नीचे। बट आपका भाई एडवेंचर लवर और मुझे एडवेंचर और हाइकिंग करने का बहुत शौक था, सो आज वो मेरा पूरा हो गया हाइकिंग का। बाकी एडवेंचर्स मैं करूँगा, और भी एडवेंचर्स मुझे बहुत सारे करने हैं डे बाई डे इंशाल्लाह ताला। नीचे से तकरीबन गाइस फाइनली शायद हम पहुँच गए, हालत डाउन हो गई है, और नाश्ता भी नहीं करा हुआ तो बहुत टायर्ड वाली भूख लग रही है। मैं तो बोल रहा हूँ पहले ऊपर चलते ही नाश्ता करेंगे, उसके बाद जो होगा वो करेंगे, खाने के बाद नहीं चढ़ा जाएगा, चमाट दूंगा सब हजम हो जाएगा ऊपर, खाने के बाद आपकी सांस से और भूख लग रही है, मैं तो पहले नाश्ता करूँगा भाई साहब। बात है पर पहुँच गए भाई, और अब थोड़ी हालत डाउन हो गई है, और हाँ चाय ना, ओ सॉरी जा नमाज की सहूलत मौजूद है, नहीं नहीं चाय नमाज, क्या है चाय नमाज, चाय नमाज भाई भाई अभी हालत डाउन हो गई है, भूख बहुत टाइट लग रही है, नाश्ता करेंगे पहले। देखो यार भूख लग रही है टाइट वाली, खराब हो गई गर्मी से, तो फिर वो है ना क्या नाम है, तो क्या करें अब, ओके बोलो नाश्ता करेंगे, भूख लग रही है। आ गया भाई पूरा मेन नीलम वेले भाई, ओहो क्या खूबसूरती है भाई, ये लुकिंग लाइक फेरी मेडोस, वो पीछे तक के उसके घर बने हुए, प्लेन नहीं है प्लेन, जो मैं चाह रहा था ना कि मुझे इस तरह का व्यू मिले वो मुझे मिल गया भाई, ज़बरदस्त। ओए क्रिकेट चल रहा है भाई यहाँ बड़े, मैंने सुना था नीचे लोग ऊपर चल गए ना भाई, लड़के लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो फिर आ रही है फिर यहाँ लड़के क्रिकेट खेलने में, हमारा भाई इतना टाइम नहीं कि क्रिकेट खेलें,
क्योंकि हमें वापस नीचे भी जाना है और यहाँ से फिर वापस हमें हुंजा या स्कर्दू दोनों में से एक जगह के आगे भी निकलना है। वह बट टाइम नहीं, बस हम यहाँ अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवाएंगे, इन्जॉय करेंगे थोड़ा सा, वह फटाफट वापस नीचे के लिए चलेंगे क्योंकि अभी डोली भी बहुत ज़्यादा रश होगा। आप देखेंगे डोली से जाएंगे या अपना वापस पूरी नीचे लंबी हाइकिंग करके जाएंगे इस बार, देखते हैं क्या होगा। अल्लाह माशाल्लाह, क्या सुंदर और प्यारा व्यू है यार, लवली। हालत डाउन हो गई है भूख के मारे, नाश्ते में सिर्फ अंडा और पराठा मिल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है खाने का, नीचे चल के नाश्ता वगैरह करेंगे। लेकिन इस व्यू ने ना मज़ा करा दिया। ओह, मुर्गियाँ जा रही हैं भैया, इसको चेक करो भाई, अपनी तस्वीरें वगैरह खिंचवा के सब चीज़ों से इन्जॉय वगैरह करके हम लोग जा रहे हैं वापस अब नीचे के लिए। नाश्ता नहीं करा क्योंकि नाश्ता अच्छा नहीं मिल रहा, सिर्फ अंडा और पराठे मिल रहे थे, वो भी एक अंडा 150 रुपये का, एक अंडा पराठा 150 रुपये का। पैसों का मसला नहीं था, हमें अंडा पराठा नहीं खाना। हम लोग नीचे जाएंगे, हम जहाँ जिस होटल में, मतलब जिस होटल में बोल रहा हूँ, जिस जगह हमारी पार्किंग हुई है, जिस जगह हमारी पार्किंग हुई है उसी जगह होटल, एक ना छोटा सा वो है होटल, हम वहीं खाना खाएंगे क्योंकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, कल हमने बर्गर भी खाए थे उससे। हम लोग वापस नीचे उतरना स्टार्ट हो गए हैं और अब देखेंगे डोली पे हमें रश मिलता है या नहीं। अगर डोली पे रश मिला ना तो भाई मतलब 1-1.5 घंटे की हमें हाइकिंग करनी पड़ेगी, और अगर डोली पे ज़्यादा रश नहीं हुआ तो शायद हम बच सकते हैं कि हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। खैर उतरते हैं अब फिर खतरनाक रास्ते स्टार्ट। आराम से, क्या हुआ जैद, ज़्यादा लग गई क्या? हाँ तो तुम भी तो पागल हो, तुम्हें बोल रहा हूँ कि पक्के रास्ते पे चलो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कच्चे पे जाना है तुम्हें। भाई तो मजा आया हाइकिंग करके, चलो 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 भाई, सबको बहुत मजा आ गया हाइकिंग करके। और रही बात ये कि फेरी मिडोस जैसा था भाई, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते, फेरी मिडोस और ऊपर का है। मैं खुद भी नहीं गया लेकिन मैंने वीडियो में देखा, और हसन भाई ऊपर का है, थोड़ा सा नहीं बेटा, बहुत ऊपर का, बहुत ऊपर का है भाई फेरी मिडोस, बहुत ऊपर का है। ये भी बहुत खूबसूरत था यार, लाजमी जब कश्मीर वगैरह हो ना तो अड़ंग के लाना भाई, अलग ही एडवेंचर है, एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको हाइकिंग का। आज देखो हाइकिंग का आपको अलग ही व्यू मिलेगा, बहुत सारे लोग हैं, ये नहीं कि आप अकेले जा रहे हो, और रात में अगर आ जाओ ना, हुए रात का सफर डेंजरस है, अगर लड़के आए ना तो मज़ा है। हम लोग नीचे बड़ी जल्दी आए यार, 10 मिनट के अंदर हम नीचे आ भी गए नीचे, लेकिन रश देखो कितना ज़्यादा हो रहा है भाई, वो देखो। मुझे लग रहा है और ज़्यादा हाइकिंग करना पड़ेगी और डोली छोड़ के हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रश हो रहा है बेटा, डोली छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, वो देखो वो आगे तक की पूरी लाइन है डोली पे। खैर देखते हैं क्या होता है, रूबा आपकी कहीं जेब में। असल हाइकिंग तो सच बताऊँ ना, अभी स्टार्ट हुई है, ऊपर फुल रश हो रहा था, तो हम लोग नीचे से ही जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा, चलो वहीं जल्दी जल्दी चलो। अब हाइकिंग ये देख रहे हो, अब हाइकिंग है खतरनाक। अभी मैं स्लिप हो गया हूँ, बहुत टाइट वाली मेरे लगी है, 2 दफ़ा स्लिप हो गया हूँ मैं। अब मैं बहुत, हाँ अभी मैं दिखाता हूँ, मेरा हाथ भी छिल गया पूरा, हाँ वो पकड़ने में छिल गया ना। खैर अभी ये एडवेंचर जो है ना, इस पर बड़ा मज़ा आएगा, और ये कम से कम आधे से पौने घंटे का सफ़र है अभी। ये मेरा नया डंडा, इसे मैं गाड़ के बनाऊंगा यहाँ पे झंडा। वाओ फजूल की ठंडी कर दी, आ जाओ यार, ये है ना भाई, तो ये क्या फंस गया मेरी बोतल में यार, मुझे पता ही नहीं है। चलो भाई चलो, ये देख रहे हो ना, ये है व्यू, ओए होए होए होए, क्या बात है यार। देखिए आपको ना ऊपर चढ़ने में टाइम लगेगा, नीचे उतरने में टाइम नहीं लगेगा, नीचे में तो भाग उड़ जाएंगे। हाँ ये देखिए ना, हम जा रहे हैं, हम लोग थके भी नहीं, वहां से बिल्कुल ऊपर से आ रहे हैं। चलो भाई बहुत मजा आ रहा है हाइकिंग पे यार मुझे तो भाई, काश मेरा ड्रीम पूरा हो गया, ये जो काश में था वो अल्हम्दुलिल्लाह में बदल गया है। अल्लाह ताला सब ड्रीम कंप्लीट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अल्लाह ताला बिलीव रखे, एंजॉय करें। उतरना पड़ रहा है, आगे दिखाऊं किसी खतरनाक जगह है, इट्स टू डेंजरस। एडवेंचर तो है लेकिन खुद का ख्याल खुद रखते हैं, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीमती। बहुत खतरनाक, ये देख रहे हो ना, मैं लोग वहाँ पहाड़ के ऊपर से आ रहे हैं यार, लिटरली वहाँ सामने जाऊंगा ना जब मैं वहाँ रोड क्रॉस, तो आपको दिखाऊंगा हम आए कहाँ से, अभी लेवल इतनी ऊपर से आ रहे हैं, हैरत की बात है भाई, बहुत मुश्किल होता है तो ऐसे रोड इसी जगह हो। से आप सुनाए ठीक ठाक, क्लास है, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। और मजा आया आपको, बहुत मजा, और सफर कैसा था इनको बताएं लोगों को, मजा आया, बहुत जबरदस्त था सफर जी, बहुत जबरदस्त है ना, मजा आया, अच्छी हाइकिंग है जो कर सकते हैं, वो 2 मिनट में पहुंचने वाला बनेगा, सही, बाकी जो नहीं करने वाले हैं उनको तो टाइम लगेगा, कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, हमारे भाई कराची से आए हुए, इनको आप लोग भी कराची से सब, नहीं नहीं हम दूर से, कहाँ से,
ओ अच्छा 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 ओके ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू। बड़ा करीब आ गया भाई, पूल के बाद हमें वो क्रॉस करना है, फिर वो ऐसे वो ऊपर चढ़ना है भाई, वो ऊपर चढ़ना है। अबे वो ऊपर नहीं, वहाँ जाना है अभी। लग पता जाएगा, हमें तो लग पता जाएगा। खैर चलते हैं भाई, चलते हैं। आगे फेंकने पे फिर क्या होगा, पत्थर पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, करोड़ों रुपए मिलेंगे। इतनी मेहनत करके ऊपर से आए, चल के चढ़ गए। अब पूल बड़ा खतरनाक है, व्यू चेक करो पूल का, हिल रहा है पूल भाई, डर लग रहा है। देखो क्या जबरदस्त व्यू है, इस साइड भी, इस साइड भी। वो ऊपर पहाड़ से आए भाई, हम वो ऊपर वाले पहाड़ से अभी आगे जाके दिखाता हूँ, वो ऊपर चढ़ूंगा ना, फिर सही से नजर आएगा कि कहाँ से हम कहाँ चढ़े थे और कहाँ से कहाँ हम आए भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे और कहाँ से आए। वो टॉप पे गए थे। अच्छा मैं सोचता था यार पहाड़ पे जाना है, मुझे पहाड़ पे जाना है, एक दफ़ा कैसे जाऊँगा मैं। आज अड़ंग के लिए हाइकिंग करनी थी, और शुरू जो हम लोग गए थे ना वो आधा सफ़र पे गए थे, और जो उतरे ना वो पूरे ऊपर से नीचे तक के आए, वो पूल ये सब क्रॉस करते हुए। कैसा लगा सन भाई आपको? दिल गार्डन गार्डन हो रही है, टांगी भी मजेदार, जवाब देंगे भी, गाड़ी बैठेंगे तो पता लगेगा। देखो देखो अभी पकड़ेंगे लोग कमेंट में पूल, फिर मज़ा आएगा। खैर अभी ये थोड़ा सा रास्ता रह गया जो हमें क्रॉस करना है, देन हमारा पहुंच जाएंगे फिर हम। फाइनली भाई फाइनली हम लोग नीचे भी आ गए। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो। हमारे दो तीन बंदों की हवा निकल गई थी, लेकिन बाकी जो बंदे थे उन लोगों ने बहुत इन्जॉय करा, सब ने हार नहीं मानी, सब यहाँ तक के आए। लास्ट में हम लोग को अभी ऊपर से आने में वो वहाँ से वो हो रहा 1 घंटा 45 मिनट पूरे लगे ऊपर से नीचे आने में, और अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ कितने 2.5 घंटे लगेंगे आपको, ये लाजमी, क्योंकि उतरना आसान है, चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी हम करने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ एक प्रैंक, मतलब हम इतनी गंदी शक्ल बना लेंगे कि वो लोग बोलेंगे हम लोग ने गलती कर दी जाके, लेकिन उनको नहीं पता होगा कि हम बहुत ज़्यादा मज़ा कर कर आए। तो भाई तुम मैं नहीं पकड़ा तुम्हें, अरे पहले चल तो ले, पकड़ेंगे तो बाद में। भारी ना खड़े हो ना, भारी खड़े भाई। नाश्ता लगाओ, 2 प्लेट चने लगाओ, 6 प्लेट पराठे लगाओ, जल्दी से नाश्ता कराओ, जल्दी से नाश्ता कराओ। अलग ही एडवेंचर भाई, जो जो नहीं गया उसने मिस कर दिया। अच्छा नहीं गया भाई, आप लोगों का काम भी नहीं है जाने का, बाकी नाश्ते में भी हमें मिला है जिंगर बर्गर, क्योंकि यही सही लग रहा था, बाकी चने वने खाने थे क्योंकि आपको पता है ना सुबह सुबह नहीं खाया था फिर से, तो बर्गर खाते हैं करने वाले वाला ये, इस बार भी फ्रेश फ्रेश है तो खा के देखते हैं। अच्छा लग रहा है, गर्म गर्म खाना खाते फिर देखते हैं। ये तो आ गया है, कोई जगह आ गई है, वरना बिल्कुल अंधेरा घूमे भाई, कोई भी नहीं है। बहुत मज़ा आता है सफ़र में ना, रात के एडवेंचर अलग अलग आ रहे हैं भाई। अभी हम जा रहे हैं बालाकोट के रास्ते में, एक मिनट गाड़ी पकड़ेगा भाई, हम लोग जा रहे हैं अभी बालाकोट के रास्ते में, और सच बताऊँ ना यहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी सन्नाटा है ना, आगे कोई गाड़ी है, नीचे बस हमारी दो गाड़ियाँ ही हैं। जैक करके रोड है, खैर इंशाल्लाह ताला सेफली पहुंचेंगे, कोई मसला नहीं है। ये रोड चेक करो आप कितना सन्नाटा हो रहा है। ये होटल हमें मिला है, होटल शेल्टन, क्या लग्जरी टाइप का होटल है भाई, ज़बरदस्त। अभी देखते हैं क्या सीन बनता है ऊपर जाके, अभी तो सब अंधेरा हो गया क्योंकि रात के 1 बज रहे हैं। इसका व्यू जो सुबह आएगा ना, वो लेवल का हुआ। अभी चलते हैं, आपको अपना कैमरा वगैरह भी आपको मैं दिखाता हूँ जो हम लोगों ने लिया है। बाकी चेक करो भाई, बहुत बड़ा है, बच्चों के लिए झूले वगैरह, पार्किंग वार्किंग सब सेफ्टी है, खाना भी यही मिल जाएगा। बहुत टाइट वाली भूख लग रही है, खाना ऑर्डर करते हैं और खाना खाएंगे सबसे पहले। तो भाई ये है कमरा भाई, चेक करो, बहुत बड़ा एक ही हॉल मिला है हमें, और इसके अंदर हम सब इजीली एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा बंदे हैं भी नहीं। ये बेड है, ये भी बेड है, वो भी बेड है, मैट्रेस वगैरह है,
रूम मिल ही नहीं रहे, 6-7 होटल ढूंढते हुए आए, कोई रूम ही नहीं मिल रहा। एक बड़ी मुश्किलों से ये होटल में आए तो यहाँ पे पता लगा भाई एक हॉल पूरा खाली है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें। हमने फटाफट से ले लिया और भाई साफ़ सुथरा बिल्कुल है, तो सैड था, हमने बोला फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि आगे की ख्वारी भी पढ़नी ही पड़ेगी। और अब हालत सबकी डाउन हो रही है, सुबह कितने 2 बजे से या 1:30 बजे से हम लोग निकले और अभी रात के 1 बज रहा है भाई। तो भाई खाना वगैरह डन हो गया, मेरी नाड़ी बहुत टाइट वाली, अब देखते हैं क्या होता है, फटाफट जाके सोएंगे या तो यही होगा। खाना वगैरह खाना बहुत टाइट, मज़ा आ गया कढ़ाई खा के।